गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी सुबह के समय है और हम लोग अभी चाय वाइफ लेके आई, चाय पी रहे हैं। यहाँ काफ़ी ठंड हो चुकी है और हम लोग ठंड का मजा ले रहे हैं क्योंकि बहुत समय तक इंतजार रहता है ठंड आने का। और देखिए अभी नाश्ते में भी क्या बना, सूजी बनाई है वाइफ। देखिए गाइस, आज हम लोग हमने सूजी बना है, हलवा, किशमिश, काजू वजू सब डाल उल के वाइफ बनाई है। आज मेरा बेटी है, हम लोग बोलेगा सुबह का नाश्ता सूजी और ये क्या जाए, रोटी बनेगा ही लेकिन सूजी भी। आज देखिए नाश्ता में ही है, सूजी और रोटी भी बनेगा हो सकता है। और हम लोग अभी गाइस अब सेकेंड डोज वैक्सीन का टाइम हो गया है, ज़्यादा ही हो गया था सर हम लोग बीच में, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक था इसलिए हम गए नहीं। और आज वैसे पता करते हैं कि मिलता है कि नहीं वैक्सीन। आई देखिए अभी उड़ गया मेरा बेटा, आई उड़ गया। गुड मॉर्निंग बोल दो। हाँ चलो छोटू को देखने चलो, छोटू को है ना। देखिए मम्मी भी धूप में सेक रही है बाहर बैलकोनी में बैठ के। और ये देखिए गोद में कौन है, छोटू को मस्त धूप में नींद मार रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ गया है। देखिए मम्मी भी धूप में, अब ठंड आ गया तो सब बालकनी में ही नजर आएगा सुबह सुबह समय धूप लेते हुए। और ये छोटकू भी देखिए मस्त नींद मार रहा है। तो गाइस अभी हम चाय का मजा लेते हैं चुस्की ठंड में और मिलते हैं इसी ब्लॉक में, बने रहिए। देखिए गाइस आयुष भी आ गया अपना सूजी लेकर के खाने के लिए। और ये देखिए मैं भी बोली सूजी नहीं हलवा, बोला अच्छा ठीक है। देखिए हलवा लेके अपना खा रहा है। देखा बेटा इधर देखो, ए खाउड़ू इधर भी देखो, खाते में खाने में बिजी हो गया, ये नहीं देख रहा कि ब्लॉग बना। इसको देखिए श्रिया कैसे हैं, हाँ ये भी उठ के आ गई। अब देखिए गाइस हम लोग पता करते हैं कि वैक्सीन का क्या है, वैक्सीन आज लगेगा कि नहीं लगेगा तो इलम को लगवा देंगे, उसके हम भी जा करके लगवाएंगे। अब वो देखिए क्या होता है, जाने के बाद पता चलेगा। इतना लंबा डिस्टेंस हो गया ना कि अब लगाने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन ज़रूरी है लगवाना, इसलिए लगवाना पड़ेगा। और आज मेरा काम भी अब होना चालू, काम में भी जाना है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। चलिए ठीक है मिलते हैं, बने रहिए इसी ब्लॉग में, पता करते हैं वैक्सीन का क्या है। देखिए गाइस मेरे वाइफ सो सब बेड सेट कर रही है, रात भर का सब चद्दर वगैरह सब चद्दर चेंज करके और उस ब्लॉग को हम लोग इसी में डालेंगे। सुबह में तो करना ही चाहिए। मैं दिखाऊंगा सेट होने के बाद किस तरह का लग रहा है। मैं दिखा रहा हूँ कि वाइफ ने घर को जो बेड था वो किस तरह सेट किया हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बेड बिल्कुल सेट हो गया है, चादर वगैरह सब सेट कर दिया वाइफ ने, अच्छा सेट हुआ। मैं तो लगा कि बहुत जल्दबाजी में रहती है, सिक्स सेट नहीं करेगी, लेकिन अच्छा सेट हुआ बेड। सुबह उठ के सबसे जल्दी वो बेड डस्टिंग, अभी डस्टिंग भी होगा शायद, हो गया हाँ, डस्टिंग वगैरह सब करके ही करती है। काफ़ी सुंदर लग रहा है, अच्छा सेट हुआ। कमेंट करके बताइएगा गाइस कि आपको कैसा लगा मेरा वाइफ जो बेड सेट की है। तो गाइस इसी बात पे लाइक शेयर तो ज़रूर बनता है। तो गाइस अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और जितने लोग हैं आपके यहाँ सबको शेयर कीजिए ताकि मेरा ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो गाइस आपसे अनुरोध है कि आप मेरा लाइक शेयर जरूर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए। गाइस मेरी बेटी सुबह सुबह डस्टिंग कर रही है, मैं आया तो मतलब थोड़ा सा ब्लॉक में ले लेता हूँ। लंबा लंबा को डस्टिंग कर चुकी थी, अलमीरा वगैरह सब पोछ दी, एक्वेरियम बाकी है। अब इसके बाद मेरा वाइफ भी बेड सेट करेगी, एक पार्ट मेरा वाइफ दूसरा पार्ट, ये सब करके लो अपना घर को सुबह सुबह सफाई हो जाता है, हेल्प करती है ठीक है अच्छा।
आज इसका ऑनलाइन क्लास भी नहीं ना, इसलिए आज इसका सबसे ज़्यादा हेल्प कर रही है। हाँ फ्रेंड्स, मेरे तरफ से भी गुरु नानक जयंती है। अच्छा बेटा ये क्या बोल रहा है, बोलो। अच्छा ये बोला मेरे तरफ से, हैप्पी दिवाली नहीं है, हैप्पी गुरु नानक जयंती बोल दो, बोलो गुरु नानक जयंती, हैप्पी गुरु नानक जयंती। फिर इसे टॉम से बात करो, इधर अपना कौन सा टॉयज लेके खेल रहा है टॉम से साथ, और अभी डांस भी करेगा टॉम, टॉम सॉन्ग लगा करके अभी डांस कर रहा है। इसका डांस हमको आज तक समझ में नहीं आया, इसका टॉयज है। इससे बात करो तो आयुष, इससे बात करो तो टॉम से बात करो, तो टॉम से बात करो, टॉम से किस तरह का बात करेगा मैं दिखा रहा हूँ। देखिए रिप्लाई देगा, जो ये बोल रहा वही रिप्लाई दे रहा। ऐसे ही लोग दोनों खूब खेलता है, खूब खेलता है ये लोग दोनों। दुकान गए थे, दुकान से सामान लेकर आए, मैं कपड़ा तो नहीं जा रहा हूँ, साबुन खत्म हो गया था तो पापा लेके आए दुकान से, मिल गया दीजिए साबुन, दीजिए साबुन। क्या सब लूट रहा है? ड्यूटी है बाथरूम में कपड़ा धोना, अपना जैकेट उलन कपड़ा सब मुझे आज धोना है। एक दिन दो आज मेरे बाथरूम में अपना सारा कपड़ा धोना है, उलन का जैकेट मेरा गंदा हो गया था, मैं जैकेट अपने खुद हाथ से ही धोता हूँ, वॉशिंग मशीन से नहीं, इसलिए जैकेट और एक दो कपड़ा उलन का ही, ठंड पड़ गई है ना इसलिए मुझे आज धोना पड़ेगा। यही चीज है आज मुझे अपना ये कपड़ा वॉश करना है, क्योंकि आज मुझे समय भी नहीं है, आज ऐसे भी आज ऐसा बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा था, हमको सारा कहते हुए फिर देखते हैं जितना जल्दी उसे पहले धो करके निकलते हैं। हेलो फ्रेंड, देखिए आज वॉश कर रहा हूँ कपड़ा, बताइए आप कमेंट करके किस तरह का सफाई करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज देखिए हम लोग छत में जो लाइट लगाए हुए थे, तो काफ़ी दिन हो गया मुझे समय नहीं मिला था, आज भी समय नहीं है, तो मैं वही आज लाइट खोल रहा हूँ और मेरा वीडियो मेरा बेटी बनाएगी, मैं दिखा रहा हूँ आपको। हाँ गाइस, तो देखिए मैं भी कैसे लाइट खोल रहा हूँ, काफ़ी लंबा लाइट है क्या। देखिए गाइस लाइट काफ़ी खोल चुका हूँ मैंने, और ये देखिए काफ़ी लंबी लाइट है, थोड़ा समय लग रहा है, मैं बोला चलो इसी बहाना वीडियो में भी ले लेता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ किसी ने लाइट लगाया था। ये देखिए कितना मोटा हो गया, अभी एक बंडल, अभी और दो तीन बंडल इस तरह के हैं, देखिए कितना लाइट है, लगाने में भी परेशानी खोलने में भी परेशानी, मुझे इसको खोलने के लिए भी समय चाहिए। इसका इसका दिखा दो, देखिए मैं बेटा भी आया हुआ करेंट देखना पड़ता है कि करेंट चालू नहीं है ना, इसलिए ऑफ करके फिर ध्यान देना पड़ता है। गाइस हो गया, काफी लाइट लग गया, तार वहाँ लगा हुआ मैं दिखा रहा हूँ, भी खुला हुआ है, अब इसको भी समेटना है। और देखिए काफ़ी गर्मी धूप, काफ़ी धूप है, देखिए ये अपार्टमेंट है, ये मेरा घर का अभी कंस्ट्रक्शन जो काम चल रहा था अभी बचा हुआ है, ये हमारा छत, बहुत दिन के बाद फिर आ जाए हम लोग टेरिस छत में। क्या चीज़ आता है, करा टैंक में हम लोग का यहाँ से पानी आता है, पाइप दिखा के कह रहे हैं। आज धूप भी अच्छा क्या हुआ, हाँ अच्छा अच्छा, इसको छत में ला दीजिए तो उसका खूब मस्ती, खूब मस्ती इसके छत में आने के बाद, लेकिन अभी छत पूरा खुला है ना, इसलिए गाइस इसको लेके जल्दी नहीं आना चाहते हम, बच्चा ना कभी इधर उधर दौड़ जाए पता नहीं चलेगा, ध्यान से हट जाए। ये
ये गाइस फिर हम लोग नीचे जा रहे हैं, काफ़ी धूप भी हो गया, मुझे निकलना भी था ऑफिस से काम से, तो मिलते हैं इसी ब्लॉक में, बने रहिए। हेलो गाइस, तो आज देखिए हम लोग यहाँ पे छोटा सा सब छत में पिकनिक का प्रोग्राम रखा था कि हल्का सा पिकनिक करेंगे। मैं दिखा रहा हूँ किस तरह का चूल्हा बना के सब किस तरह का खाना बना रहे हैं। देखिए गाइस किस तरह का देखिए खाना वाना बन रहा है, चूल्हा वूल्हा छत में ही बना है। और ये देखिए रुके, देखिए बेटा वोटा सब कुछ आया हुआ है। चूल्हा में खाना बनाने के पहले ना उसको मिट्टी लगा देना चाहिए। मेरा रिया भी आई है, रिया वगैरह सब आयुष भी है, देख के गिरे। और ये देखें आलू गोभी का सब्जी बन रहा है वेजिटेरियन। आज पिकनिक प्रोग्राम हुआ छत में ही, पुराना दिन याद आ गया फ्रेंड। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सब लेडीज लोग ही कर रही है। सब कोई हम बोले भाई मेरा पास टाइम नहीं है, हम अभी आए तो देख लो अपना सब प्रोग्राम बना रही है खाने का। बोले छोटा मोटा एक पिकनिक का ऑर्गेनाइजन हो जाए, दिसंबर का लास्ट होने जा रहा है इसी कारण। चूल्हा का इंतजाम कैसे किया गया, मट्टी लेकिन एक बात है लकड़ी का खाना में बहुत अच्छा लगता है, सौंधा सौंधा महकता, बहुत खूबसूरत खाने में, बहुत टेस्टी। आप देख ही रहेंगे गाइस किस तरह का देखिए बन रहा है। और ये देखिए लोग सब मिल के बना दिए, तुम भी आई श्रिया, ओ बाप रे ये भी आई है पिकनिक प्रोग्राम, पिकनिक प्रोग्राम हाँ। ये मेरा टेरिस, कितना समय के बाद ये लोग बना रही है पिकनिक का पूरा। सब लोगों को बहुत मजा आ रहा है, इतने दिनों बाद पुराने दिनों याद आ गए हम लोगों को। और मेरे मामू के चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन जो नीचे होता है उसे भी दबाइए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी करके बताइएगा, कमेंट भी करके बताइएगा, बने रहिए मामा के ब्लॉग में। और ये देखिए तैयारी जोर शोर से चल रही है, हाँ ये लोगों को तो चाहिए बहाना खाली खेलने कूदने का। तो देखिए खुश है, देखो पीछे लोहा का ही है ग्रिल। गुड आफ्टरनून, पापा से आज इसको पढ़ाई हुआ है काफी, आज वो लोग ये था बेटा बोले नहीं जाएंगे। गुड आफ्टरनून, इसको देखिए डांस, आज पापा इसको क्लास लेना पढ़ाए इसलिए पूरा रो रहा था, फिर पापा के साथ पढ़ने का था पिटाई और ये सब जो होता है। दौड़ा दौड़ी नहीं करो, दौड़ा नहीं, अच्छा मम्मी पास बेटी लोग बाहर भी गई है टहलने के लिए, ये देखिए आ रही है। मैं बेटा बनवा से चोटी खोल रही है, अपना चोटी हमको देख के स्टाइल कर रही है। दौड़ो मत बेटा गिर जाएगा, झाड़ू उड़ू लगना चालू हो गया, वाइफ झाड़ू लगा रही है, देख कितना गंदगी। दिन में खाना बहुत ही अच्छा लगा हम लोग खाए, अभी शाम में फिर सब बोल रहे जाएंगे छत में ही बनाएंगे, देखिए क्या होता है। लकड़ी का खाना बनाने में लोगों को बहुत मजा आ रहा है, देखिए क्या होता है, बनता है या नहीं बनता है। हम चैलेंज किए थे गाइस कि तुम लोग से होगा ही नहीं जब मेरे पास फोन आया था, तो लेकिन बना लिया, बहुत अच्छा आलू गोभी का सब्जी बहुत ही अच्छा बना, देखिए क्या होता है। अभी शाम का बने रहिए, मैं बताऊंगा आपको कि बनता है या नहीं। मैं देखिए शुभम आ रहा है दूध लेकर के, आ शुभम देखिए दूध लेके आ रहा,
सामने दूध लेकर के आ रहा सुबह। देखिए दूध लेके आ रहा है। देखिए मम्मी भी गई है टहलने के लिए। कितना दिन के बाद मम्मी आज नीचे गई है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, सामने वाला आंटी है। देखिए गाइस, मैंने लकड़ी का तब तक व्यवस्था कर दिया, यहाँ पे बांस पूरा पड़ा हुआ था, घर का काम चल रहा था तो बांस है। तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ किस तरह का मैंने चूल्हा में डाल के रखा हुआ। अभी लोग आगे जाकर क्या प्रोसेस करती है मैं देखता हूँ। देखिए मैंने बांस उस लगा दिया, अभी लोगों को मज़ा आ रहा है यहाँ पे कुछ कुछ बैठ के बनाना, छत में बैठ के गपशप भी करना खुला जगह पे। यही है, मैंने चूल्हा का तैयारी कर दिया, वो लोग आके किस तरह का जल लाएंगे वो देखना पड़ेगा। शाम का मौसम भी बहुत अच्छा है, देखिए ठंड अभी यहाँ भी उतना पड़ा नहीं है, लेकिन अब ठंड का मौसम करते जा रहा है, ठंड होते जाएगा। देखिए सब जगह काम चल रहा है, सामान आना तैयारी हो गया, चूल्हा चौकड़ी बर्तन वर्तन सब। देखिए गाइस अभी रोटी बन रही है, सब फूल फूल के बन रही है। लकड़ी में खाना बनाने का अलग सा मजा है। चैलेंज पूरा किए ना हम लोग। हाँ आज का चैलेंज कंप्लीट रहा, अब कल का ताश देखते क्या देंगे। हाँ। ये देखिए यहाँ से मैं जाना दिखा। क्या सब रोटी प्रोग्राम चल रहा है, उसके बाद टमाटर भी आया हुआ है। देखिए टमाटर को भी जलाएंगे हम लोग। अभी टमाटर जल के किया हुआ, उसका चटनी बनेगा, फिर आलू उलू क्या पता नहीं सब्जी बनेगी। आज वेज कंपटीशन है लकड़ी में। दिन में तो लोग बाजी मार दी, बहुत स्वादिष्ट बना था आलू गोभी का सब्जी। और अगले में अभी सवाल नहीं बना रही है, वाइफ भी देखिए बना रही है, मेहनत कर रही है। रोटी देखिए तो मस्त बन रहा है रोटी, आया बेल रहा है वो भी मेहनत कर रहा है। हाँ बेलन भी चल रहा है। माँ माँ बोले ना सबा मेरा मेहनती बहु लोग है, चैलेंज मत क्या। हाँ मम्मी कह दिए सब मेहनती है मेरा बहु लोग। ठीक है भाई, ये बहुत दिक्कत से बनती गाइस, बहुत दिक्कत से। इतना आसान लग रहा है कि रोटी बन रहा है या आग लगा हुआ है, लकड़ी को पहले जलाने ही में काफी मेहनत लगता है, काफी धुआं होता है। देखो मेरी रोटी फूल रही है। काफी धुआं होता है, उसके बाद उसको सुलगाया जाता देखो, है। देखो रोटी देखो। देखिए रोटी। तो मतलब आदत नहीं है ना इसका, गैस का आदत है तो। गैस का आदत है ना इसीलिए, लेकिन ठीक है, काफी मेहनत लगता है इसको चूल्हा को जलाने में लकड़ी का। तो स्वाद भी आता है। हाँ लेकिन स्वाद अच्छा आता है, सौंधा सौंधा बहुत सुंदर। देखिए कितना लंबा बांस का किया हुआ है, जैसे जल रहा पीछे से बांस को पुश किया जा रहा है। रात में क्या नजारा है, ठंड भी पड़ने लगी है, रात का व्यू और टेरिस का देखिए रात का व्यू फिल्म बना रही है। तो गाइस ये लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो इसी बात पे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट तो बनता है। हाँ जरूर जरूर, ये लोग का इतना हम लोग के लिए होगा, वो हम लोग के लिए होगा। हाँ कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कितना मेहनत, काफी मेहनत के इसी भी लोग ब्लॉग में बनाने के लिए क्या लोग मेहनत करेंगे। हमको रखे थे कि ये काम नहीं हो सकता, ये चैलेंज था एक, लेकिन ये लोग चैलेंज को एक्सेप्ट की और पूरा कर भी रही है। हो सकता है कि सब चीज़ तो बन गया है, खाली रोटी बचा हुआ और टमाटर कुछ आइटम बचा हुआ बस, बाकी ये लोग टमाटर का जला के चटनी धनिया पत्ता डाल के
हाँ, और आलू का कुछ और भी चीज़ बनेगा अभी, सस्पेंस रखिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं इसी ब्लॉग में, बने रहिए।